आणखी एक ब्रेकिंग बातमी समोर येते। संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर गदारोळात लोकसभेत कृषी विधेयक कायदे हे मागे घेण्याचं विधेयक मंजूर झालंय। केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर यांनी मांडल्यानंतर लोकसभेत शेती कायदे रद्द करण्याचं विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केलं। लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली होती। लोकसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधकांचा गदारोळ पुन्हा एकदा सुरू झाला आणि या गदारोळात कृषी मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर यांनी कृषी कायदा निरसन विधेयक मांडलं होतं। चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेकर आया सदन में? संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना? 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। अरे सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वाले सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। एक अधिनियम शुद्ध विधेयक का पूरा नाम विधेयक का आमन है। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। जो 17 बिल में बहस इससे पहले हो चुकी है, कर चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इस बिल पे चर्चा हो, डिबेट हो, जनता को मालूम हो और किस ढंग से आज उन्होंने इस बिल को लाया है और इसको गड़बड़ी में करके ये सबूत करना चाहते हैं कि हम किसानों के। दरम्यान या विधेयका संदर्भात राज्यसभेत चर्चा सुरू है, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। पर संसदीय नियम ये है। पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोशन मूव, मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर। एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ। एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ सर। प्लीज धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और चीनी जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। 700 लोग मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए, जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है, और किसानों के विरोध में है। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप, एक मिनट, 2 मिनट। तो उसके बाद में अब 5 स्टेट में चुनाव है। इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा।